गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल नई अनाज मंडी में हुई। इस फाइनल रिहर्सल में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व सामूहिक मास पीटी शो का शानदार प्रदर्शन किया तथा परेड टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। गणतंत्र दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए उपमंडल प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रघुवीर गागट ने बताया कि समारोह में 26 जनवरी को SDM अश्वनी मलिक बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा परेड का निरीक्षण करेंगे। आज हमारे 26 जनवरी को देखते हुए आज हमारी फाइनल रिहर्सल थी यहाँ न्यू अनाज मंडी इंद्री में, और इसमें पुलिस की टुकड़ी, NCC बॉयज एंड गर्ल्स और स्काउट्स की स्कूलों की टुकड़ियाँ थी जिन्होंने आज अपनी फाइनल रिहर्सल करी है फुल ड्रेस में। और फाइनल हमारा 26 तारीख को है सुबह 26 जनवरी वाले दिन, और सब टुकड़ियों ने अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। तैयारियाँ हमारी पूरी हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। हमारे सुरक्षा की दृष्टि से हमने देखते हुए अपनी जो जहाँ पे हमारा फंक्शन है 26 जनवरी का, उसको चारों तरफ से हमने सील किया है, नाकाबंदी करी है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए तैयार है। गणतंत्र दिवस समारोह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उपमंडल स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए उपमंडल प्रशासन द्वारा सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से इस वर्ष करीब 1000 बच्चे गणतंत्र दिवस समारोह की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हमारी इस बार 10 टीमों का चयन किया गया है। सभी कार्यक्रम देशभक्ति से ओतप्रोत हैं ताकि एक संदेश जाए कि हमारा देश एक राष्ट्रभक्त देश है और हमारे बच्चों को, नई पीढ़ी को भी उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जा सके। मास पीटी शो परेड, इसमें परेड में हमारी इस साल 6 टुकड़ियां भाग ले रही हैं। पुलिस, NCC, स्काउट और गाइड्स और NSS की प्लाटून इस बार परेड में शामिल हो रही है। गणतंत्र दिवस समारोह में जैसे कि प्रदेश में अब तक जितना विकास हुआ है, हर विभाग की ओर से अपने अपने विकास की उपलब्धियों को लेकर झांकियां भी निकाली जा रही हैं। इनमें कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, उद्यान विभाग, महिला बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश झांकी के माध्यम से गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर दिया जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर श्री अश्वनी मलिक जी SDM इंद्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। इंद्री से जाट TV न्यूज के लिए विजय कम्बोज की रिपोर्ट।